जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे सही देखा कि आप पबजी गम फिर से खेल सकती हो। अब किस तरह से खेलोगे? पबजी में जितना आप मजा लेता था दिन भर खेल खेल के ढेर ढेर फायरिंग करके, उससे ज्यादा मजा ले सकते हो। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो, बस आपको एक काम करना है, बस थोड़ा सा काम करना, और फिर से आप पबजी गम नया से खेल सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, बाद में कॉमेंट करते हो या पूछ लेते हो यार आप क्या वीडियो बनाते हो। आप पूरा वीडियो देख के जाना, तभी आप समझ पाओगे कि किस तरह से आप पबजी गेम खेल सकते हैं, उससे ज्यादा मजा उठा सकते हो पबजी गेम खेलकर। आपको पता होना चाहिए हमारा सरकार जो है अभी पबजी गेम को बैन किया है। देखिए इसके साथ 139 यानी कि 149 ऐप्स को बैन कर दिया है, लेकिन जो मुख्य ऐप है, जो मतलब सबसे पॉपुलर ऐप है, उसे वो पबजी के नाम से आप जानते हैं। और ज्यादातर लोग, करीब 17% लोग इंडिया का पबजी गेम खेलता था, इसलिए पॉपुलर गेम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पबजी ऐप से भी पहले 59 ऐप्स को भी बैन किया था। ये हमारा गवर्नमेंट देश के लिए तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो युवक खेल रहा था, किसी का रोजी रोटी चल रहा था, किसी का यूट्यूब चैनल चल रहा था, या गेमिंग करके पैसा कमा रहा था, लेकिन उसकी पेट में कहने के ही लात मार दिया। लेकिन अगर हम देश की हित में देखें तो ये सही है कि इस जो मतलब हमारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं लीक कर रहा था कुछ इसकी वजह से। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से छोटा सा ये भी करूंगा कि जो पबजी गेम बैन किया बहुत सही किया है, लेकिन एक तरीका बताऊंगा यार, आप लोग इसे चला सकते हो पबजी गेम को। लेकिन सरकार से ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चाइना का प्रोडक्ट है, जो चाइना का मोबाइल है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उसको भी बैन करना चाहिए। क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए उस पर अभी भी ऐसा ऐप्स दिखाई देता है, चचित ऐप्स हो गया, क्लीन मास्टर हो गया, ऐसा कुछ मोबाइल में ऐप्स दिखाई देता है जो हमारा डेटा प्राइवेसी को लीक करते हैं। अब आते हैं आप किस तरह से पबजी चलाओगे। आपको पता होना चाहिए कि पबजी बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चला सकते हो। लेकिन पबजी का थोड़ा नाम चेंज करके चला सकते हो यार। पबजी अब फौजी के नाम से आ रहा है, यानी कि पबजी एक आया था पबजी करके, PUBG, लेकिन वो तो छोड़ो, अब पबजी की जगह फौजी आया। अगर आप फौजी गेम को चला लेते हो, मैं यहाँ पोस्टर शो कर लेता हूँ, आप देख लीजिए, ये वाला फौजी गेम है। ये कहीं ना कहीं आपको पबजी से ज्यादा मजेदार गेम है, और कहीं ना कहीं ग्राफिक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हो सकता है क्योंकि पबजी को देख के ही जब बनाया हमारा इंडिया ने, तो कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाएगा उसपे, सेम आपको गन मिलेगा, सब कुछ सेम ही मिलेगा, और हो सकता है उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसका डेवलपर कौन है? इसकी जो मेन वार्नर होगा, जो इस याफ को बनाते हैं, वो हमारा जो सबका प्रियता एक्टर है अक्षय कुमार जी बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए अच्छा ही कुछ बनाएगा, उतना बुरा नहीं बनाएगा, और जो हमारा डेटा प्राइवेसी है इंडिया में रहेगा। इसलिए मैंने बोला पबजी से मजा लेके खेल सकते हो, मतलब बगैर डर के, कोई डर नहीं है। तो ये जो गेम बनाया अक्षय कुमार ने, तो ये देश के लिए भी एक अच्छा काम किया। पता है कैसा? कि इस गेम में जितने सारे अर्निंग आएगा, जितने सारे वो पैसा कमाएगा, उसकी 20% अर्निंग जो हमारा देश का सेना है, जो वीर सेना शहीद हो जाते हैं, उनकी रिलीफ फंड में डाल देगा, यानी कि वो पैसा कुछ काम में आ जाए। बाकी जो पैसा है उस ऐप को मेंटेन करने में, या जो इंजीनियर रहेगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा, उसको देखे जितना बचेगा, हो सकता है उसका बचेगा। लेकिन ये गेम बहुत मजेदार होने वाला है। अब बात आते हैं पबजी की। पबजी जब बैंड हो गया है तो ये तो रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन मैं क्यों बोला कि पबजी से भी ज्यादा मजा लेके खेल सकते हो? देखो, अगर आप एक ज्यादा पबजी लवर है, इससे पहले आप मोबाइल में खेलते थे, तो आप अभी मोबाइल से बैन हुआ है, लेकिन पीसी से बैन हुआ या ये इतना पता नहीं है, लेकिन आप पीसी गेम में पीसी खेल सकते हो पबजी को। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त ने खेला, मैं जाके उधर डायरेक्टली बैठ के देखा है कि अभी भी ऑनलाइन में पबजी गेम को खेलता है, पीसी में अभी तक पीसी में बैन नहीं हुआ। अगर आप एक पबजी लवर है तो आप पीसी में खेल सकते हो और बड़ा मजा ले सकते हो बड़े स्क्रीन में। हाँ, पबजी ना खेलो, लेकिन आप क्या करो, मेरी वीडियोस को समझ समझ देखते रहना। मैं जो फौजी गेम आया है जो पबजी से भी बेहतर होने वाला है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक करके ले लेना। लेकिन हो सकता है 2-4 दिन लेट लगे, लेकिन आप इस वीडियो को लगातार देखते रहना बीच बीच में, ताकि मैं जब भी अपने डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब लिंक अपडेट करूंगा, आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल वाला घंटी का जरूर दबाना।